Hello, good evening. Myself Dr. Priyanka Goswami. Today I just want to say some few words about the clinical classes of Deepak sir. When I was in my internship, मुझे कहीं ना कहीं एक लिटिल बिट डाउट होता था कि इसके बाद क्या करना है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है. बिकॉज अब तक हमें जो पढ़ाया गया था वो सब कुछ बेस्ड था ऑर्गोनॉन पे, मटीरिया मेडिका पर. तो जब भी घर में आसपास रिश्तेदारी में कुछ पूछता था तो वी डिड नॉट एनी थिंग, क्योंकि हमने कभी एलाइड सब्जेक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दिया. लेकिन जब दीपक सर की क्लिनिकल क्लासेस में मैंने जाना सीखा, दैट वॉज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि आई एम द डॉक्टर. और वह दीपक सर ही थे जिन्होंने मुझे स्ट्रेंथ डालने का कॉन्फिडेंस दिलवाया. दीपक सर से मिलने से पहले, क्लासेस ज्वाइन करने से पहले, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं स्ट्रेंथ डालूं. रीज़न बीइंग कि स्ट्रेंथ डालकर करूं क्या, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करते कैसे हैं, क्या सुनना होता है, कुछ नहीं पता था. लेकिन दीपक सर ने एक्चुअली में जो हमने क्लिनिकल क्लासेस में पढ़ा, दिस दैट वॉज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल अप्रोच कि कभी भी कोई पेशेंट आता है तो उसे कैसे अप्रोच करना है. उन्होंने इम्पॉर्टेंस बताई क्लिनिकल सिम्टम्स की, एक्चुअल क्या इम्पॉर्टेंस होती है, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस कैसे करते हैं. दैट वॉज सो नाइस. और उसके बाद जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने सर को कॉल करके उनको स्पेशली थैंक्स बोला इस चीज़ के लिए कि सर थैंक यू मुझे डॉक्टर बनाने के लिए. NHMC से मुझे डिग्री मिली थी लेकिन डॉक्टर मुझे आपने बनाया है. दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ. अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले दीपक सर को बताती हूँ. ही इज़ द ओनली वन जो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. ही इज़ वेरी टैलेंटेड और उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है. ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. आई एम द डाई हार्ड फैन ऑफ दीपक सर. तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जिस तरह से दीपक सर पढ़ाते हैं, अगर सब लोग उसी तरीके से पढ़ने लग जाएं तो कभी भी एक होम्योपैथ होने पर आपको गिल्ट नहीं आएगा, कभी बुरा नहीं लगेगा, हमेशा प्राउड फील होगा. एंड यू कैन से प्राउडली कि आई एम प्राउड टू बी अ होम्योपैथ.